नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर। अब तक जो अपडेट सामने आ रहा है उसमें यही लग रहा है कि बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। कमोबेश अभी जो मीडिया में खबरें चल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि एक महीने की देरी हो सकती है। आइए हम आगे जानेंगे विस्तार से कि आखिर वो देरी कैसे और किस तरह से हो रही है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में अब देरी होना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव में एक महीने की देरी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग अभी तक मल्टीपोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्राप्त नहीं हुई है। इस ईवीएम का पहली बार राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में उपयोग होना है। यह चुनाव 2.50 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों के पदों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव के लिए होना है, जो कि इस महीने के अंत तक हो जाना था, लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने के बाद से अब इसमें देरी की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो एसएससी यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की नजरें पटना हाईकोर्ट पर टिकी है। पटना हाईकोर्ट में अगले हफ्ते सोमवार के चुनाव पैनल द्वारा दायर रिट याचिका पर दूसरी बार सुनवाई होने की उम्मीद है। एसीसी ने अपनी याचिका में बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मल्टीपोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद की अनुमति देने में हुई देरी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से राहत मांगी है। अब इधर पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर 23 फरवरी को पहली सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को मामलों को सौहार्द ढंग से सुलझाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। इसमें विफल रहने पर एसीसी ने हलफनामा दायर करने को कहा था। एसीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईवीएम पाने में एसीसी को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसी कारण से पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीनों की खरीदारी करने से पहले चुनाव आयोग से एनओसी के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन अब एनओसी नहीं मिलने के कारण पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक युक्त ईवीएम मशीनों की जरूरत है, जिसे सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल प्रणाली कहा जाता है। इधर कहा जा रहा है कि ईवीएम आपूर्ति करने के लिए हैदराबाद की कंपनी ECIL की आपूर्ति करने की को तैयार है, किंतु चुनाव आयोग अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC देने को तैयार नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि तकनीकी युक्त ईवीएम मशीनों की आपूर्ति की मंजूरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के लिए खुद चुनाव आयोग ने किया है, लेकिन बिहार में होने वाले पंचायती चुनाव में मशीन खरीदारी के लिए NOC देने में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में चला गया है। अब हाईकोर्ट आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की बात कह रही है। ऐसे में अब देखना है कि यह विवाद कब समाप्त होता है और बिहार में कब पंचायत चुनाव की सूचना जारी होती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही पंचायत चुनाव की खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।